मैं राम कुमार दिवाकर अपहृत राम कुमार का ससुर हूँ। पिछले 21 दिसंबर को ही किपो एंड वाइल्ड कंपनी अरुणाचल प्रदेश से मेरे दामाद राम कुमार को अल्फा उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। फिरौती की बात कंपनी के डायरेक्टर से वो लोग करते थे, लेकिन उन लोगों के साथ बात आपस में नहीं बना है, इसलिए वो बार बार डेट दे रहे हैं हत्या करने की। हम कई बार भारत सरकार, बिहार सरकार, अरुणाचल सरकार एवं असम के सरकार से प्रार्थना किए हैं कि हमारे दामाद को सकुशल घर वापस लाया जाए, लेकिन हमारे गरीब को कोई आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बहुत मजबूर आदमी हैं। एक मेरा एक छोटा सा नाती है 5 साल का, उसी राम कुमार का लड़का है, एक 7 साल की लड़की है, उनकी पत्नी है। ये लड़का को पिछले 11 महीने से ब्लड कैंसर का बीमारी है, ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है पटना एम्स से, जिसका सहयोग करने वाला भी कोई नहीं है। एक ही मात्र राम कुमार था जो इधर उधर कर्जा पैंचा लेकर 200 लाख रुपया कर्ज लोगों से लेकर के इसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन अपहृत हो गया। अगर उसको कुछ अनहोनी हो जाता है तो हम पूरे परिवार समझिए कि आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच जाएंगे। हम भारत सरकार से, बिहार सरकार से, अरुणाचल सरकार से एवं असम के सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, नर्म निवेदन करते हैं कि किसी तरह हमारे दामाद को जिंदा वापस लाया जाए। अल्फा द्वारा यानी कि 22 तारीख को अंतिम अल्टीमेटम है कि 22 तारीख तक अगर उनके सिचुएशन को, उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा कंपनी द्वारा या सरकार के हस्तक्षेप के बिना, तो 22 तारीख को उन लोगों का हत्या कर देंगे। मेरे पास समय बहुत कम है और सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए और मेरे दामाद को सकुशल वापस मंगवाया जाए। इसलिए मैं सभी सरकार से, अरे उल्फा के जो हेड हैं प्रेस बरुआ जी, उनसे भी नमस्कार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ वो मेरे दामाद को जीवन दान दे दें।